तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदं। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। टाइट लगा हो परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के कृपा से हम लोगों को यहाँ पर हरि चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत के अंतर्गत साधु प्रवृत्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें वैरागी का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए जो कि उसके अंदर साधु प्रवृत्ति लेकर के आता है, उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। उसको स्वयं मान की आशा ना करते हुए दूसरों का मान जरूर रखते हुए अगर दीनता हो और हे भाव हो तो स्वयं के लिए हो, सभी को उसमें ना गिनकर हम सब तो बदजीव हैं, मैं बदजीव, हम क्यों बदजीव हैं, मतलब सामने वाले को भी कुछ नहीं समझते हैं इस तरीके की भाषा और भाव वाले व्यक्ति, वो ठीक नहीं होता। मैं पतित हूँ, हम पतित हैं, हम लोगों का अंदर तो कोई ऐसा कोई वैष्णव नहीं है, मतलब वो दर्शन ही नहीं करना या दर्शन करने का प्रयास भी नहीं करना वैष्णवता का, वो ठीक नहीं होता है। हमेशा अमानी, मतलब अपने लिए कि मान की आशा नहीं करना और मान बाकी सबको मान देना, वो चाहे किसी भी स्तर का क्यों ना, यहाँ तक कि वो अदम सेवक ही क्यों ना हो, वो अदम सेवक ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं क्यों कनिष्ठ है, जरूरी नहीं मध्यम उत्तम है, वो अदम सेवक ही क्यों ना, उसको भी मान देना,
वो बदजीव जरूर हो सकता है आदम सेवक होने के कारण, लेकिन हम उसको उस नज़र से देखकर हेय भाव रखें वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए बोला अमानी मानद होकर कृष्ण नाम सब समय करते रहना है, सिर्फ अपने लिए कि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो कि अयोग्य हूँ, मैं ही एक व्यक्ति हूँ किसी मान का अधिकारी नहीं हूँ, मैं ही एक व्यक्ति हूँ जिसको सुधरना चाहिए, बाकी सब सुधरे कि नहीं सुधरे वो मेरा काम है ही नहीं है, मैं स्वयं अपने जीवन में सुधार ला पाया कि नहीं यही केवल मात्र मेरा अपना धर्म है जो मुझे प्रयास करना चाहिए समझने का। इसलिए बोलते हैं होकर कृष्ण नाम हमेशा करते रहना है, कृष्ण नाम करते रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्ण नाम ही जीवन है, कृष्ण नाम ही आधार है। कृष्ण नाम अगर जीवन में ना हो तो सारे गुण होने के बाद भी वो वास्तविकता में कोई महत्व नहीं रखता है। जिस प्रकार से भगवान का नाम मूल अंक की तरह है, बाकी जितने भी गुण हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ वो सब उस अंक के पीछे लगने वाले शून्य की तरह है। जिस प्रकार से वो अंक मान ले एक है, एक के पीछे जितने शून्य लगते हैं उसका उतना महत्व होता है, लेकिन एक के आगे जितने शून्य लगते हैं वास्तविकता में उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो वैल्यू 100 को होता है वो 001 को नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जितने भी गुण हैं ये सारे गुण निरर्थक हो जाते हैं अगर उसके अंदर कृष्ण नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से अगर किसी चीज़ पे जोर दिया है वो है भगवान के नाम पे जोर दिया है। बोलते हैं भगवान के भक्त जो होते हैं उसमें महान गुण कहाँ से हो सकते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। जितने भी गुण हैं वो सब केवल भगवत भक्त में होता है। तो इसीलिए बाहरी रूप से सारे गुणों को अगर हम अपने अंदर लाने का प्रयास भी करते हैं, कौन से गुण, ये वैराग्य के गुण जिस प्रकार से पूर्व में बतलाया, कोई वस्तु में आसक्ति नहीं, व्यक्ति में आसक्ति नहीं, भोग की रुचि नहीं, कुछ भी नहीं है, इतना कुछ होने के बाद वो अमानी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण सेवा नहीं, तो वास्तविकता में उसका साधन का कोई अर्थ भी नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं साधुता भजन से आता है, भक्ति से आता है, सेवा से आता है, उसी को हम लोगों को करते रहना चाहिए, कृष्ण नाम का आश्रित होके करते रहना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गृह त्यागी है, विरक्त व्यक्ति, वो अपने ग्राम में घर वालों के साथ कभी भी वास नहीं करना चाहिए। घर जाना ये कोई नौकरी नहीं है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद घर वालों को मिलने जाना, ये सारे काम ठीक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर बताया तो कम करना है। तो इसलिए जो विरक्त व्यक्ति है उसको कभी भी घर जाना, घर वालों के साथ फिर पुनः संपर्क रखना, ये सब चीज
ठीक नहीं होता, और ना ही जो विषयी व्यक्ति है उनका संग करना, इससे भी साधुता नष्ट हो जाता है। जो एक व्यक्ति के साथ में जुड़ कर के रह जाता है, एक परिवार के साथ जुड़ कर के रह जाता है, वो कभी भी वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति को अपने अंदर नहीं ला पाता है। पूरा विश्व ही भगवान का परिवार है, और विश्व के अंदर वास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान के दास हैं, और इन सबका सेवा, इन सबका साथ में जो व्यवहार, वो मेरा वास्तविकता में सम होना चाहिए। यहाँ पर मुझे स्वापरा भाव नहीं रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें वो व्यक्ति भूल जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखने का कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पर जब व्यक्ति रक्त से संबंधित है, रक्त से संबंधित है, खून से संबंधित है, फिर वो बन नहीं पाता है, वो बड़ा कठिन होता है। अब जैसे मेरा एक कजिन है, मेरी मासी की लड़की है, वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मैं साधु हूँ, और मेरे से बात करती है तो भगवान से ही संबंधित बात करती है, अभी हरिनाम भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि नहीं एक संबंध है करके। इसीलिए संबोधन में कई बार चूक भी जाती है। जब होश रहता है, समझ रहता है, तो उस समय वार्तालाप व्यवहार हमेशा अलग तरीका से रहता है, लेकिन जिस समय ध्यान से उतर जाता है, इसीलिए पीछे मुझसे एक दिन कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये भूल जाऊँ, पूरी तरह से भूल जाऊँ कि आप मुझे कुछ लगते भी हैं, मैं सिर्फ यही देखना चाहती हूँ, अपने आप को ऐसे बनाना चाहती हूँ कि मेरे सामने सिर्फ दामोदर महाराज खड़े हैं। प्रयास है, मैं कहने का मतलब है जब साधक प्रयास ही नहीं करता है, चेष्टा नहीं करता, उस समय क्या होता है कि वो एक अलग दृष्टि से उसको देखने लगता है, उसका दर्शन अलग दृष्टि से होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जो वैरागी होता है कभी भी ऐसे लोगों के साथ मिलना नहीं, मतलब जिसको त्याग कर दिया उन लोगों के साथ में मेल मिलाप करना ठीक नहीं है, उससे भी वो उसके अंदर साधुता नहीं आ सकता, वो बन नहीं पाता साधु। और इसके अलावा विषयी व्यक्ति जो भोगी व्यक्ति है उनके साथ में मिलना नहीं है, क्योंकि वो विषयी है, विषयी का संग व्यक्ति को विषय में ही रखेगा, उसके अंदर कभी भी भगवान के प्रति शरणागत होने का जो गुण है वो आने नहीं देगा। और साथ ही जो स्त्री संगी है वो भी, पूर्व में हमने सुना उसको पूर्ण रूप से स्त्री संग अथवा स्त्री संगी का जो संग है वो भी दोनों ही पूर्ण रूप से त्याज्य है, वो नहीं करना चाहिए। प्रभु कहे वैरागी को देखी ते ना पार अभी तहार। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि जो वैरागी होकर प्रकृति से संबोधित करता है, संभाषण करता है, मतलब स्त्री से वार्तालाप करता है, महाप्रभु बोलते हैं वो गलत है। देखी ते ना पारूं अमित आहार वदन, मैं उसका मुख भी देखना नहीं चाहता। इसका मतलब औरतों से बात ही नहीं करनी चाहिए, तो मुंह ऐसा करके चलना चाहिए क्योंकि महाप्रभु बोल रहे प्रकृति संभाषण जो भी करेगा, स्त्री चर्चा जो करेगा या स्त्री से मिलेगा इत्यादि जो भी करता है, उससे महाप्रभु बोलते हैं
कि मैं उसका मुख भी देखना नहीं चाहता, मुझे नहीं पसंद ऐसे लोगों का मुंह देखना। अब हमारे गुरुवर्गों ने भी उन लोगों से वार्तालाप किया, देखा, अरे स्वयं आचरण शिक्षा देते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? वो बोलते हैं, स्त्री भाव से जब व्यक्ति उसका दर्शन करता है तो वो रूप से ही खराब होता है, वो ठीक नहीं होता। बोल दिया, स्त्री मतलब माता के रूप में जब दर्शन करते हैं तब दोष नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया, पर स्त्री मात्र समान, जितने भी स्त्री हैं वो सब माँ की तरह है। हम लोग सुनते हैं शिला भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी हमारे वृंदावन मठ के, छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो, औरतों कोई भी हो, सबको माँ ही संबोधन करते थे। वो चाहे छोटी बच्ची क्यों ना, उसको भी माँ ही संबोधन करते कि मातृवत परदारेषु, जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए जितनी भी अन्य स्त्री है अपने धर्मपत्नी के अतिरिक्त, उन सबको माँ की तरह ही देखने के लिए नियम है। और जो व्यक्ति त्यागी है, जो विरक्त है, जो वैरागी के मार्ग में आया, उसके लिए तो पूरा जगत ही माता है, और कोई रिश्ता है ही नहीं, सभी माता है। और आजकल माताएं थोड़ा सा अस्थिर हो जाती है, जब उनको माताजी बुलाने पे उनको नहीं अच्छा लगता है, मैं कोई माताजी हूँ ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसीलिए वैष्णव ने दीदी बोल के संबोधन करना भी शुरू किया, पहले नहीं था, क्योंकि औरतें थोड़ा सा चंचल हो जाती, मैं क्योंकि बूढ़ी हो गई, वो नहीं समझ पाती कि माता होना कितना गौरव की बात है, माँ होना तो कितनी गौरव की बात है, कितनी महिमा की बात है। वो इस चीज को नहीं समझ पाती और जब वो दुखी हो जाती है, इसीलिए वो लोग दीदी संबोधन करते हैं। लेकिन भाव वैष्णव जगत के अंदर भजन करने वाले साधक के हृदय में हर स्त्री के प्रति माँ का भाव ही होता है और होना चाहिए, होना भी वही चाहिए। बोलते हैं अगर नहीं, जो व्यक्ति इस तरह की चर्चा में फंसता है तो वो ठीक नहीं होता है। और जो क्षुद्र जीव होता है वो क्या करता है, वो मर्कट वैराग्य करता है, बंदर जैसा वैराग्य करता है, और इंद्री जितने भी होते हैं वो बहुत बहुत प्रबल होते हैं। बोलते हैं, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, ये जो इंद्रिय है वो इतने प्रबल होते हैं, वो हम सब समय विषयों के पीछे भाग रहे होते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति ना कर लिया हो, तब तक जब तक भगवत अनुभूति ना कर लिया हो, तब तक उसका इंद्र नहीं हो पाता है। ये विशेषता है। दारू प्रकृति हरे, दारू प्रकृति मतलब है कि जो काष्ट का स्त्री मूर्ति है वो भी बोल, मुनिरपी मन, जितने भी मुनिगण होते हैं, जितने भी ऋषिगण होते हैं, उनका भी मन को हरण कर ले सकता है। साधारण व्यक्ति क्षुद्र जीव का तो कहना ही क्या है, एक तुच्छ साधारण जीव का तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो राय रामानंद जी की महिमा को वर्णन करते हुए यहाँ तक बता दिया कि वो तो मैं हूँ, तो हो सकता है काष्ट का मूर्ति को देखकर, स्त्री मूर्ति को देखकर मेरा भी मन विचलित हो सकता है।
महाप्रभु ऐसा नहीं है कि सिर्फ और लोगों के लिए बोल रहे, महाप्रभु अपने आप को बीच में ले लिया और महाप्रभु राय रामानंद जी की भक्त की महिमा को बता रहे हैं कि भक्त इतने महिमा वाले होते हैं कि उनमें कभी भी कोई विकार नहीं आता है। क्योंकि राय रामानंद जी महाराज देवदासियों को जब वो शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर चर्चा उठा कि राय रामानंद जी किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो राय रामानंद की महिमा को सुनाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को वहाँ पर बतलाया कि मैं ऐसा सन्यासी हूँ, मुझे काष्ठ का प्रतिमा को देख करके मेरा मन विचलित हो सकता है, लेकिन राय रामानंद का नहीं हो सकता। क्यों? भक्त है, भगवान के चरणों में शरणागत है, भगवान के अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं है, साधु है। इसी कारण से राय रामानंद जी की ऐसी महिमा है। जो साधु नहीं बन पाया, जो साधु बनने का चेष्टा कर रहा है, उस व्यक्ति को इन सब से बहुत सावधान रहना पड़ता है। वो अगर चूक गया तो अपने जीवन में पतन सुनिश्चित है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए आप पर बता दिया, क्या बोलते हैं, जितने भी क्षुद्र जीव हैं वो सब मरकट वैराग्य करते रहते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, इंद्रिय चराई या बोले प्रकृति संभाषिया, बोलते ऐसे जो व्यक्ति मर्कट वैराग्य धारण करके जो स्त्रियों के साथ वार्तालाप इत्यादि करने के बहाने अपने इंद्रियों को ही तुष्ट करने में वो क्या करते हैं, व्यस्त रहते हैं। वास्तविक वैरागी जो है वो उसको प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो मर्कट वैरागी होता है, जो फल्गु वैराग्य करता है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब साधक के लिए ये बहुत खतरा है। साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर उसकी सावधानी हट गया तो उसको नहीं मालूम पड़ता है कि मैं जो वार्तालाप कर रहा हूँ ये वास्तविकता में सेवा से संबंधित है कि नहीं है। पहले तो आरंभ होता है तो सेवा से ही होता है, लेकिन होने के बाद क्योंकि उसने विरक्ति का मार्ग लिया, इसलिए उसके पास हरिचर्चा के अतिरिक्त कोई और साधन होता नहीं। लेकिन हरिचर्चा को करते करते कब वो विषय चर्चा में परिणित हो जाता है, पतन का रास्ता द्वार खोल देता है, ये मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए पूरा प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना दूरी रखने का, जितना जरूरत है उतना बोलने का, और जो बोलना है मातृवत भाव से ही बोलना है कि मेरी माँ है, इसी प्रकार के भाव से ही बोलना होता है। दूसरे कोई और भाव होने पर वो ठीक नहीं होता। ये सब साधु के लक्षण होता है। इसीलिए साधु के पास जाने पर किसी भी माता को डर नहीं होता, संकोच नहीं होता, क्योंकि उसमें केवल मात्र एक पिता का स्नेह दिखता है। साधु के पास जाने पर एक पिता का स्नेह दिखता और साधु का दर्शन भी एक स्त्री के प्रति माँ का रहता है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का डर दोनों में नहीं रहता। जो साधु नहीं बन पाता है या साधु बनने की इच्छा से आता है या फिर भोग के ही उद्देश्य से आता है, वो जो माहौल होता है, वो जो व्यक्ति होते हैं,
वो बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। वास्तविकता में जो साधु अथवा साधु प्रवृत्ति को अपने जीवन बनाकर चलने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति, उनके पास कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। ये विशेषता प्रभु कहे मोर वश नाहे मोरे मन, प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे स्पर्शन। वो बोलते हैं कि मेरा मन मेरा वश में है ही नहीं है। वो बोलते जो वैरागी होकर स्त्री संभाषण करता है, मैं उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसको देख भी नहीं सकता, मैं उसको नहीं देखना चाहता। ऐसा स्त्री संग गलत नहीं होता, लेकिन वो अधिकार के ऊपर होता है। जो गृहस्थ होता है उनके लिए ही वो स्वीकृत कार्य है। और हमने पूर्व में जिस प्रकार से चर्चा किया, जो व्यक्ति गृहस्थ होने के बाद भी केवल इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से ही स्त्री के साथ मिलन करता है, वार्तालाप इत्यादि जो कुछ भी करता है, वो भी शास्त्र सहमत नहीं दे रहे हैं, उसको भी सहमति नहीं दे रहे हैं, तो वैरागी के लिए तो बहुत दूर की बात है। विरक्त को कभी भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अमी तो सन्यासी अपने विरक्त कौरिमानी, दर्शन दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुनी, तब ही विकार पाए मोर तनुमान, प्रकृति दर्शन स्थिर होए कौन जन। मैं तो सन्यासी हूँ, बोल रहे दर्शन दूर की बात है, अगर उनका नाम भी सुन लेता हूँ तब भी मेरे मन में और मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। बोलते हैं नाम सुनने मात्र से एक सन्यासी होकर महाप्रभु बोल रहे हैं, और स्वयं को विरक्त माना हर चीज़ से। इसीलिए स्त्री दर्शन तो दूर की बात, स्त्री का नाम सुनने मात्र से ही मेरे मन में विकार और मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। महाप्रभु में कहाँ होते, महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? अगर तुम अपने परमार्थ चाहते हो, तुम अपना मंगल चाहते हो, इस बात को अच्छी तरह से समझ के चलो कि ये सारे कार्य तुम्हारे ठीक नहीं हैं, ये सारे कार्य तुम्हारे ठीक नहीं हैं। वासना जहाँ पर है वहाँ पर वैराग्य नहीं हो सकता, जहाँ पर विरक्ति नहीं है वैराग्य नहीं है वहाँ पर साधुता नहीं आ सकता, क्योंकि वासना जहाँ है वहाँ पर काम प्रबल होता है, जहाँ पर काम प्रबल होता है वहाँ पर क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, मात्सरी भी आता है, सब कुछ आता है। हम सुनते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायत। जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करने लगता है, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों ही विषय हैं, और उनमें से ये बहुत ही भयंकर होता है। जो स्त्री संग होता है, प्रकृति के साथ में मिलन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये व्यक्ति के अंदर का जो काम है उसको बढ़ा देता है, और काम जब बढ़ जाता है और जो चीज़ है वो भी वश से बाहर हो जाता है, वो भी वश से बाहर हो जाता है, वो हाथ से निकल जाता है। उसको फिर शब्द भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया कि व्यक्ति को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो। किसी का भी इस चीज़ के अंदर प्रवृत्त होने का कोई भी अधिकार है नहीं, और विशेष रूप से जो व्यक्ति विरक्त होता है, सन्यासी होता है, उसके लिए तो ये परम धर्म है कि
कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि महाप्रभु अपने आप को वहाँ बीच में रख के बोल रहे हैं, एक सन्यासी होकर मेरा मन विचलित हो जाता है। कहने का तात्पर्य तो बाकी तुम सबका तो कहना ही क्या है, सावधान। ऐसे उतारा प्रकृति दर्शने स्थिर होए कौन जन, जब व्यक्ति, मैं तो नाम सुन के विचलित होता हूँ, जो उनको देखता है उसका मन स्थिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता मन स्थिर, विशेषता है। भला स्त्री दर्शन से किसका चित्त स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता, किसी का भी चित्त स्थिर नहीं रह सकता। सन्यासी को विषयी लोगों के घर पर स्थूल भिक्षा नहीं करना चाहिए, इससे अंतकरण अपवित्र हो जाता है। अशुद्ध अंतकरण से श्री कृष्ण का कदापि भजन नहीं हो सकता। जिसका अंतकरण अशुद्ध है, जिसकी चित्त की वृत्तियां खराब है, उससे भगवान का भजन कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए एक विरक्त को जाकर किसी के यहाँ पर भिक्षा इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। फिर इसीलिए हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था है, जो भिक्षा करके तुम लेके आते हो वो गुरु को समर्पित करो, क्योंकि उसको हजम करने का जो क्षमता केवल गुरु में ही होता है, साधक में नहीं होता। इसीलिए साधक को भिक्षा करके वो गुरुसेवा के उद्देश्य से लाके गुरुदेव के चरण में रखना चाहिए, ना कि अपने लिए व्यय करना चाहिए। इसीलिए पूर्व में ऐसा था कि प्रणामी जो कुछ भी मिलता था अपने लिए नहीं होता था, वो सिर्फ गुरुस्थान के लिए होता है, वो सिर्फ गुरुस्थान के लिए होता है कि वो गुरुस्थान में गुरुगृह में जाए और गुरुदेव के द्वारा स्पर्श होकर उनके द्वारा ग्रहण होने के बाद वो जब सेवकों के ऊपर अगर लगता भी है तो वो भी गुरु कृपा ही होता है, वो गुरुदेव का प्रसाद होता है। जब गुरुदेव के पास सेवा आता है वो भगवान की सेवा में लगता है, और भगवान की सेवा के साथ में जुड़ा हुआ जितने भी साधक उनके ऊपर भी गुरुदेव कृपा करके व्यय करते हैं तो भी वो जो दोष है वो उनमें नहीं लगता है, लेकिन स्वयं किसी न किसी प्रकार से भिक्षा याचना करके उसको ग्रहण करने के बाद वो व्यक्ति का हृदय मलिन हो जाता है। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी इस बात को बहुत जोर दे करके बोलते हैं, वास्तविकता में कोई हमें प्रणामी देने के बाद अगर वो हम अपने इच्छा के अनुसार अपने ऊपर व्यय करते हैं तो वो भी देवस्य हरण का दोष के अंतर्गत आ जाता है। और देवस्य हरण करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो भगवान का पैसा को चोरी करने वाला व्यक्ति होता है, उसका जीवन में कभी भी सदगति नहीं हो सकता है। उसका जीवन अधोपतन के अतिरिक्त उसके जीवन में और कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर बता दिया, साधु कभी भी अपने लिए धन का आशाई नहीं करता है, लेकिन गुरुस्थान में होने के कारण गुरु गृह की सेवा का उद्देश्य से वो अगर सेवा ग्रहण करता भी है वो केवल गुरु सेवा का उद्देश्य होता है और उसी में व्यय होता है। वो उसके अतिरिक्त अपने भोग के लिए जहाँ पर व्यय हुआ, मतलब है कि उसका जीवन सर्वनाश की ओर चला गया। वो चाहे 10 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 5 ही रुपए क्यों ना, है तो भगवान का है। मैं आपको बता दिया, साधु कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। साधु का हर चीज, साधु निश्चित, परम गुरु महाराज जी ने आचरण करके दिखाया। जब उनको किसी वस्तु का आवश्यकता होता था वो मटरक्षक के पास जाकर उनसे मांगते थे कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, आप मुझे अगर कुछ है तो उपलब्ध करा सकते हैं। जो इतनी सेवा इकट्ठा कर सकते हैं वो अपने लिए खर्चा नहीं कर सकते, बोलते बिल्कुल नहीं। आचरण करके देखा, हम निर्भर है गुरुस्थान पे,
हम निर्भर है गुरु गृह पे, हम निर्भर है गुरु कृपा से। और जरूरी नहीं, कई बार जैसे अभी कहीं इधर उधर जाना आना होता है, किसी ने टिकट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने अगर व्यवस्था कर दिया सेवा आदि का, साधक को तब भी यही समझना चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने कृपा करके उनकी सेवा के लिए मेरा ये व्यवस्था किया। व्यक्ति उसने सेवा करके उसका जीवन धन्य हुआ, और उस सेवा को ग्रहण करके मेरा जीवन भी धन्य होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये समझनी चाहिए कि जो भी वस्तु मुझे प्राप्त हुआ वो केवल मेरे गुरुदेव की सेवा के लिए प्राप्त हुआ, कृष्ण सेवा के लिए प्राप्त हुआ, ना कि अपने भोग के लिए प्राप्त हुआ है। जो सोचेगा मेरे अपने लिए, मेरे लिए जहाँ आता है वहाँ उसका लाइफ फिनिश हो जाता है, मैं बोल करके कुछ होता ही नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, स्वापरा भाव जहाँ पे आता है वहाँ पर भक्ति हो ही नहीं सकता, वहाँ तो परमार्थ के लिए जगह ही नहीं है। जहाँ पर स्वापरा भाव है कि मेरा तेरा वाली भाव जहाँ पर आता है वहाँ पर भक्ति के लिए कोई जगह नहीं हो सकता, वहाँ पर साधुता भी नहीं हो सकता, वहाँ पर सत्य के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता वहाँ। ये चीज साधक को समझना चाहिए, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ गुरुदेव का है, और मैं भी गुरुदेव का ही हूँ। वो अलग बात है, क्षुद्र दास हो सकता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं गुरुदेव का। इसीलिए गुरु कृपा से, गुरुदेव के प्रसाद से जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वही मेरे लिए परम धन है, वो चाहे जो मर्जी दे दे मुझको, लेकिन स्वयं अपने लिए प्रिजर्व करके रखना। मैंने सुना परम पूज्यवाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से कि एक जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, वो हमेशा प्रणामियों के पैसे अपने लिए अलग करके रख लेते थे, और परम पूज्यपाद श्री कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी जी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य है, उन्होंने कई बार इससे अप्रसन्नता व्यक्त किया सुना, बोले ठीक नहीं है। पूछने पे बोलते थे जब जरूरत होता है तो इमरजेंसी में तो उसके लिए रखना पड़ता है, और सुना इससे कभी भी वो प्रसन्न नहीं होते थे। बोलते तुम गुरुदेव पे निर्भर क्यों नहीं, तुम गुरुदेव पे निर्भर क्यों नहीं, जब तुमने अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में दे दिया उनके ऊपर निर्भर क्यों नहीं तुम, कि तुम्हारा रक्षा तुम्हारा गुरुदेव करेंगे इस बात का विश्वास क्यों नहीं है, कि तुम्हें अपने व्यवहार के लिए तुम्हें अलग से धन रखने की क्या आवश्यकता। नहीं सुना, मैंने सुना कभी नहीं सुनते थे, अपने लिए इकट्ठा कर करके रखते थे, और वो महान व्यक्ति अपने आचरण करके दिखाया कि इस तरह का बुद्धि जिसका होता है उसका एक ना एक दिन पतन ही होता है। तो जो यहाँ पर बता दिया उसको, उसका अंतकरण मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। ऐसे होने पर व्यक्ति कभी भी भगवान के भजन के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।